लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 3 साल पहले खरीदा था घर, एक दिन बगीचे में मिली सोने की खान, पूरी जिंदगी के लिए बना दिया अमीर। एक मकान मालिक को उसके घर के पीछे कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से वो अमीर बन गया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एंथनी डूलन नाम के एक शख्स ने कुछ सालों पहले ही एक नया घर खरीदा था। एंथनी का कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले 1.35 मिलियन में अपना नया घर खरीदा था, जहां पर उन्हें अपने घर के पीछे एक सोने की खान मिली है। उनका ये नया घर 16.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। घर खरीदने के बाद वे कभी भी इसके चारों तरफ नहीं घूमे थे, लेकिन जब उन्होंने इसके चारों तरफ एक बार घूमने का मन बनाया तो जो देखा उसे देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। इस दौरान एंथनी को उनके घर की बगीचे के पीछे एक सोने की खान मिली। एंथनी ने जिस सोने की खान की खोज है वो ब्रिस्बेन के केंद्रीय व्यापार जिले से 12 मील दूर है। उनका कहना है कि ये खान सदियों से इस पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। जब उन्हें इस खान के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। फिर उन्हें एक फिल्मी किरदार की याद आई जो इन्हीं खानों में भटक गया था। उसने कहा कि उसने इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने इस खान को एक दिन में ढूंढा है। वो जब यहाँ पर आया तो वो इसमें गिर गया। उसका कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर बहुत सारे खाने थी, लेकिन खनन के कारण वो सारे बर्बाद हो गए, जिसके चलते अब यहाँ पर सिर्फ कुछ खाने ही बची हुई है। इस शख्स का कहना है कि ये खाई लगभग 6 मीटर गहरी है, जो अभी भी सही सलामत है। एंथनी ने कहा कि उसने सोने की लालच में इन खानों की खोज नहीं की और उसने पिछले हफ्ते ही इस संपत्ति को अलग अलग टुकड़ों में बेच दिया। एंथनी ने इसे बेचने के लिए 1.65 मिलियन की कीमत तय करी थी, लेकिन बाद में उन्हें ये जगह उतनी ही दाम पर बेचनी पड़ी जितने में उन्होंने इसे खरीदा था। जिसके हफ्ते भर बाद इस मकान ने नए मालिक क्रिस कॉर्ड को बगीचे के पीछे छिपाया हुआ दूसरे विश्व युद्ध के समय का एक बंकर मिला, जिसमें 2 कमरे और 2 टोपी मिली, जिसके बारे में पता लगाने के लिए 40 साल के क्रिस ने एक स्थानीय बिल्डर टोनी साइजर के साथ उस खान में 2 दिन बिताया। इस दौरान टोनी क्रिस के इस नए घर की मरम्मत करने के लिए आया हुआ था, ताकि वो बाढ़ के पानी से बच सके।